बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बफर जोन 15A3 में मौजूद हूँ और JDC के पास खवातीन ओल्ड एजों की जगह बहुत कम थी और हम बार बार अपील कर रहे थे कोई शख्स, कोई ऐसा बंदा बंदा खुदा जो अपनी कोई जगह हमें डोनेट करता है, जिसमें वो खवातीन, वो माएँ, बूढ़ी माएँ जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया या उनकी औलाद नहीं थी वो सड़कों पे हैं या कोई उनके किसी रिश्तेदारों के घर में थी वो अस्पतालों के बाहर छोड़ के चले गए और वो शदीद सर्दी में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हैं फुटपाथों में। तो ममनून फातिमा साहिबा ने अपना घर डोनेट किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिलसिला है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है? देने से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दारुल अमान, मैं ईद पे देखती हूँ जो औरतें रोती हैं जिनके बेटे छोड़ छोड़ के जाते हैं। अब आंटी वो औरतें आपके साथ रहेंगी यहाँ, सही है ना? खुश हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूँ, मेरी तो मुराद पूरी हो रही है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मेरी मुराद पूरी हो रही, मैं दारुल अमान ही चाहती थी बनाना। जो औरतें रहेंगी ना वो टीवी पे आएंगी, ना वो मॉर्निंग शोज में लेकर आएंगे उन बुजुर्ग औरतों को, ना हम उनके नाम पे भीख मांगेंगे, ना उनको उनकी जो जरूरत होगी, अगर उनको उमरा भी कराना है हमारा इदारा उमरे पे भेज देगा। आप देखें आज तक हम अपने बुजुर्गों को कभी टीवी पे लेकर नहीं आए, हमने उनकी मजबूरियां बेची नहीं है।